हेलो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री यानी रसायन का बोर्ड पढ़ेंगे, बीएससी के लिए क्लास 10। उसके लिए हम लोग चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म तथा वायु, ठीक है। अच्छा चलो, तो शुरू से ही सबसे पहले चीज के बारे में हम लोग जानेंगे एसिड यानी अम्ल की बात हम लोग करेंगे। अम्ल से एसिड यानी अम्ल, ठीक है। तो अम्ल बचपन से सबसे बहुत पहले से ये माना जाता है कि अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टा, जो स्वाद में क्या होता है खट्टा, यानी कहने का मतलब क्या है, जो स्वाद में सॉल्ट टेस्ट, जिसका टेस्ट क्या हो सॉल्ट, ठीक है। अम्ल क्या होता है, जिसका एसिड वो चीज होता है जिसका स्वाद क्या हो खट्टा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अम्ल, ठीक है। तो अम्ल वह पदार्थ है, अगर मैं बोलूं सिंपल लाइन में कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, ध्यान दीजिए जलीय विलयन, मैंने हम लोग पिछले क्लास में यानी जब अगर केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां पे आप लोग पढ़े होंगे कि जलीय विलयन कैसा विलयन होता है, वैसा विलयन जिसमें जल, ठीक है। जैसे मान लीजिए नमक सॉल्ट यानी नमक और पानी, तो जिसमें भी पानी हो, पानी का विलयन जलीय विलयन कहलाता है, इंग्लिश में उसको हम लोग एक्वस सॉल्ट कहते हैं। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, अम्ल क्या होता है, अम्ल वो चीज होता है जो स्वाद में क्या हो खट्टा हो, ठीक है। दूसरा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और दूसरा चीज है, मैं आगे जब इसको डिस्कस करूंगा तो जानेंगे कि जो अम्ल है धातु से अभिक्रिया करती है, धातु यानी मेटल से, अगर मेटल यानी धातु से अभिक्रिया करके अम्ल क्या बनाता है, ये आपको यानी एसिड यानी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस से बनती है, ठीक है। टेंथ के बेसिस पे हमने बताया, ठीक है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस में बनता है, ठीक है। हम लोग टेंथ की क्लास के एसिड के लिए पढ़ते हैं जो आपका डेफिनेशन है, बट ठीक है, इससे कॉम्प्लिकेशन है। पहले तो एक चीज जानते हैं कि हम लोग अम्ल की बात कर रहे हैं, तो अम्ल जो है एक ग्रीक वर्ड, अम्ल जो आया हुआ है वो हमारा लैटिन वर्ड से आया है, और कौन सा लैटिन वर्ड, एसिडस, एसिडस से, एसिडस का मतलब ये होता है खट्टा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने एसिडस वर्ड के कारण, एसिडस यानी स्वाद में जो खट्टा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को जो जानना है केमिकल डेफिनेशन अम्ल का, कि जो हम लोग पढ़ते हैं उस, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्यन। तो एक चीज तो पहले मैंने बताया आप लोगों को, अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा, और ये लैटिन वर्ड, इससे लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जो बात हमारे पास आती है, एक चीज मैंने बताया आप लोगों को बेसिस, ठीक है ना, बेसिस यानी भस्म बोल दीजिए, ठीक है, और ये भस्म जो होता है स्वाद में कड़वा, भस्म के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट क्या होता है, स्वाद में कड़वा होगा, ठीक है, ये हम लोग हैं कि भस्म यानी क्या होगा, जो स्वाद में कड़वा होगा, ठीक है। अब ये दो चीजें, बट ये इस डेफिनेशन के अलावा हम लोग एक केमिकल डेफिनेशन देखेंगे, आर्यनियस एक साइंटिस्ट है उनके अनुसार एसिड का डेफिनेशन, अम्ल का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्यनियस, कौन से साइंटिस्ट, आर्यनियस एक साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार अम्ल क्या होता है, तो आर्यनियस एक साइंटिस्ट है उनके अनुसार अम्ल का डेफिनेशन क्या होता है, कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, या ऐसे बोलो जो जल में घुल कर, जो जल में घुल कर क्या देता है, जो जल में घुल कर हाइड्रोजन है, जानते हो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, क्या होता है H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, यानी जो जल में घुलकर हाइड्रोजन अणु देता है,
हाइड्रोजन आयन जो दे दे, यानी कहने का मतलब क्या है, अम्ल वह पदार्थ है, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स एच प्लस, सिंपल लाइन में कर दें इसको। तो देखो एग्जांपल अगर मैं बोलूं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। देखिए HCl को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या हम एसिड को हम लोग बोला जाता है, और HNO3 को नाइट्रिकम नाइट्रिक, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं बट हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको जैसे मैंने बोला H प्लस में देगा, हम लोग वह पदार्थ है जो जल्दी देखकर H प्लस देगा, तो देखते हैं कैसे मिलता है, इसको भी देख लेते हैं। हम लोग वह पदार्थ है जो जल्दी देखकर हाइड्रोजन, तो मैंने लिया आपका एग्जाम्पल HCl, HCl को मैंने पानी में डाला, पानी में डाला यानी एक्वस, ठीक है, एक क्यों लिख दिया, एक क्यों यानी इसको वाटर में डाल दिया, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऊपर मैंने इसको H2O लिख दिया, यानी इसको मैंने पानी में डाला, ठीक है। तो पानी में डालने के बाद ये क्या होगा, H प्लस और Cl मैंने इसमें लिखा, ध्यान से देखिए H प्लस को मैंने जैसे ही पानी में डाला, HCl को H प्लस और Cl मैंने इसमें डाला, ठीक है। इसी तरह से H2SO4 इसको भी पानी में डाला, यहाँ फिर ये टूटा 2H+ सल्फेट का वैलेंसी संयोजक था 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, SO4 2, क्लियर। उसके बाद HNO3 इसको भी मैंने डाला वाटर में, यहाँ पे भी H प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। तो ये सब चीजों के कारण आपको हमने बताया कि ये सब क्या है, अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करते हैं, जल में घुल कर क्या होते हैं, H प्लस, देखिए सभी में H प्लस है, ध्यान दीजिएगा सभी में H प्लस है, और H प्लस होने के कारण क्या होगा, आपको क्या बताते हैं, हमने बताया ये आपका अम्ल। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH वाटर, CH3COOH वाटर होते हैं, और इस CH3COOH को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, और एसिटिक अम्ल को वाटर में लेने के लिए क्या चुनता है, H+ और क्या बन जाएगा हमारे पास CH3COOH, ये लेके आप तीन में जोड़िए, ये वाला एच प्लस, ठीक है। अब कैसे मिलता है, क्या मिलता है, उसको हम डिटेल में देखते हैं, मैं तो जाना नहीं है बट उसे भी आपको, ठीक है ना। ये सारे चीज देखिए, जो H प्लस में टूटा उसको हम लोग क्या बोले, पानी में डाल देते हैं, जो H प्लस में मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब उसको हमने अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अब इस चीज में एक और चीज जानना है, अम्ल ये जो H प्लस है ये स्वतंत्र रूप से H प्लस में नहीं रहता है, ध्यान देने वाली बात, ये जो H प्लस है ये स्वतंत्र रूप से फ्रीडम पहले अकेले H प्लस के रूप में नहीं रहता है, भाई भाई क्या रहता है, अभी बात आ गया, तो ये H प्लस सभी में से H प्लस किसी का भी बनना है, ये H प्लस वाटर के साथ, राम से देखिए H प्लस वाटर के साथ मिलकर बना लेता है H3O+, ये H प्लस वाटर के साथ मिलकर बना लेता है H3O+, और इस H3O+ को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका अम्ल का डेफिनेशन के बाद होगी, अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा फर्स्ट में, तो वो भी आरहेनियस के अकॉर्डिंग टू आरहेनियस, आरहेनियस के अनुसार अम्ल का डेफिनेशन क्या हो गया, जल में मिलाने पर जो H प्लस आयन के रूप में हाइड्रोजन आयन के रूप में, इसी को हम लोग अम्ल बोलते हैं। इसी तरह से मैं भस्म का डेफिनेशन अगर मैं बोलूँगा आप लोगों को, तो भस्म क्या है, भस्म वह पदार्थ है, ठीक है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल गया ओ एच माइनस, तो मैं ये भी लिख लेता हूँ भस्म वह पदार्थ जो जल में घुल गया
क्या देता है OH माइनस, OH माइनस है, OH माइनस को क्या बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो हमको देते हैं इसको हम क्या बोलेंगे भस्म बोलेंगे। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है हमको OH माइनस देता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भस्म बोलते हैं। जैसे अगर बोले जैसे मैं मान लू NaOH ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, इसको मैंने वाटर में डाला क्या मिलेगा हमको Na प्लस और OH माइनस ठीक है ना। इसी तरह से CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको भी वाटर में डाला ये मिलेगा हमको Ca2 प्लस और 2OH माइनस ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे क्या मिला है हमको OH माइनस मिला है, इसी तरह से KOH CaOH2 इसी तरह से हम लोग KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको भी वाटर में डाला क्या मिलेगा हमको K प्लस और OH माइनस। तो ये सारा जो चीज है हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देगा OH माइनस देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे भस्म। एक चीज और जानना है, ध्यान जल में विलय यानी जो जल में घुल जाए वैसा भस्म, जो जल में घुल जाए जल में विलय भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं क्षार बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, जल में विलय भस्म को क्षार बोलते हैं, यानी वैसा भस्म जो जल में घुल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्षार ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या होता है अम्ल, क्या होता है भस्म, क्या होता है क्षार, क्षार क्या होता है अल्कली बोलते हैं इसमें क्षार को, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अल्कली ठीक है। और अगर इसको जल में मिलाते हैं जल में घुल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्षार। तो ध्यान रखने वाली बातें ये हैं जल में विलय भस्मों को क्या बोलते हैं क्षार, ये चीजें आपको समझ में ठीक है। तो ये है आपका छोटा सा इंट्रो ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास मैंने आपको 10 मिनट्स का दिया, क्या कर रहे हैं तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।